दोस्तों, मेरा नाम है प्रतीक सिंह, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। आज के क्विज में आपका स्वागत है। क्वेश्चन, इफ अ सॉफ्ट स्टेम प्लांट इज कट हॉरिजॉन्टली नियर द बेस ऑफ इट्स स्टेम विथ अ शार्प ब्लेड ऑन अर्ली मॉर्निंग ऑफ अ ह्यूमिड डे, ड्रॉप ऑफ सोल्यूशन ओज थ्रू कट स्टेम, दिस इज ड्यू टू। क्वेश्चन को समझिए, इफ अ सॉफ्ट स्टेम प्लांट इज कट हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टल काटा गया है कोई सॉफ्ट स्टेम प्लांट को, नियर द बेस ऑफ इट्स स्टेम, ये रूट है तो बेस, स्टेम के बेस के पास से हॉरिजॉन्टली कट किया गया है विद अ शार्प ब्लेड ऑन अर्ली ह्यूमिड डे, अर्ली मॉर्निंग ऑफ अ ह्यूमिड डे। तो जो यहाँ पे सॉल्यूशंस के ड्रॉप आ रहे हैं वो किस रीजन से आ रहे हैं? गटेशन, ब्लीडिंग, ट्रांसपरेशनल पुल एंड रूट प्रेशर। नाउ गटेशन इट हैपेंस इन द लीव्स, लीव्स में होता है गटेशन ड्यूरिंग अर्ली मॉर्निंग। ब्लीडिंग, प्लांट्स में कोई ऐसा वैस्कुलर टिश्यू है नहीं जिसके, वैस्कुलर फ्लूइड नहीं है जिसकी वजह से ब्लीडिंग होगी, ब्लीडिंग इज ओनली प्रेजेंट इन एनिमल्स। ट्रांसपरेशनल पुल और रूट प्रेशर। नाउ ट्रांसपरेशनल पुल इट अकर्स, इट डू नॉट अकर्स ड्यूरिंग अर्ली मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग में ट्रांसपरेशनल पुल नहीं होता। करेक्ट आंसर वुड बी रूट प्रेशर, क्योंकि बेस ऑफ स्टेम के पास से कोई फ्लूइड निकल रहा है। ट्रांसपरेशनल अकर्स फ्रॉम द लीव्स, तो पॉजिटिव रूट प्रेशर की वजह से अर्ली मॉर्निंग में बेस ऑफ स्टेम से लिक्विड ओज कर रहा है प्लांट से। द करेक्ट आंसर इज रूट प्रेशर।